डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। करीब 3 माह हो गए, लेकिन पब्लिशर चेतन प्रकाश गर्ग व परिवार को न्याय नहीं मिला। सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाओं व अन्य लोगों को लेकर SSP कार्यालय पहुंचकर इस परिवार ने जमकर हंगामा किया। परिवार ने सीधा आरोप लगाया कि उनके परिवार के 2 सदस्यों की मौत के लिए जिम्मेदार संजीव अग्रवाल को पुलिस ने खुला छोड़ रखा है। उससे पूछताछ तक नहीं की गई। परिवार के एक सदस्य ने CO सिविल लाइन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि घटना वाले दिन उन्होंने वादा किया था कि मेरठ पुलिस उनके साथ है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। चिल्लाते हुए लोग आरोप लगा रहे थे, इस मामले में पुलिस ने 25 लाख रुपए खा लिए हैं। यही कारण है कि अभी तक संजीव अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। संजीव अग्रवाल को RSS से भी जुड़ा बताया गया। दरअसल 27 अप्रैल की रात हापुड़ पुलिस पब्लिशर चेतन प्रकाश को उनके टीपी नगर थाना क्षेत्र के स्थित गुप्ता कॉलोनी आवास में जबरन उठाकर ले गई थी। चेक बाउंस के मामले में इस दबिश के दौरान संजीव अग्रवाल भी मौजूद था। हापुड़ रोड बिजली बम्बा बाईपास पर पुलिस वाहन का स्कूटी से पीछा कर रहे चेतन की पत्नी चित्रा और भतीजा मोहित को एक कैंटर ने रोन दिया था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये देख हापुड़ पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे। थोड़ी देर बाद ही हापुड़ पुलिस ने चेतन प्रकाश को छोड़ दिया था। आज SSP ऑफिस पर कुछ इस तरह विरोध प्रदर्शन किया गया। जब तक सर से बात हो रही है तब तक कृपया धैर्य रखते हैं। हमारे परिवार का जो मुखिया है वो जरूर आपको न्याय देंगे। एक बार आप उनसे जरूर बात करें। मैं जानता हूँ आम सभी की कानूनी आवाज है, जो भी वो मुखिया देखो एक बार कह दीजिए की बातें सुन लीजिए, उसके बाद कोई न्याय नहीं मिलता। हम कोई भाजपा के आदमी है, खुद संघ के आदमी है। सब नाटक हो रहा है, सब नाटक हो रहा है। प्रवीण भाजपा को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, भाजपा को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। आप जब 3 महीने पहले कहे थे ना महाराज, आपने कहा मैं गिरफ्तार करूंगा, आपने कुछ नहीं करा, कुछ कराने का पता नहीं। आपने हमारी जितनी सहायता करी भगवान जानता है, भगवान जानता है जितनी आपने हमारी सहायता करी। जब आप हमारे पास आए थे जब क्या कह रहे थे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सही है भाई, PW वारंट पर ले गई, फिर हत्या करवा के छोड़ गई। कमिश्नर 25 लाख रुपए खाए हुए इसमें, कमिश्नर 25 लाख रुपए खाए हुए। हम चाहते हैं कोई बड़े अधिकारी से जांच हो, कोई बड़े अधिकारी पुलिस प्रशासन। पेट्रोल बनाओ, पेट्रोल ही मरेंगे, पेट्रोल बनाओ। समझ में नहीं आ रहा, उस आदमी ने हर आदमी को खरीद रखा है। कितना पैसा चाहिए हम देंगे, बोलो पुलिस को देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।